हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित आर्यन आप सभी का फिर से आर्यन केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत। आज फिर अपने लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अगले टॉपिक के बारे में आज पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है कॉलराउस लॉ। तो आज का टॉपिक क्या है? कॉलराउस लॉ। तो इससे पहले जो हमारे YouTube चैनल पे जो नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उनका नोटिफिकेशन आप सभी तक जल्द से जल्द पहुँचे। चलिए अपने लोग टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये कॉलराउस लॉ है क्या? तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे, मैंने पहले से लिख चुका है। आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये कॉलराउस लॉ है क्या। तो कॉलराउस नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये किसी आदमी का नाम है। कॉलराउस ये किसी वैज्ञानिक का नाम था। तो वो वैज्ञानिक जो अपना नियम दिया तो उसी वैज्ञानिक के नाम पर ही इस नियम का नाम पड़ गया कि कॉलराउस लॉ। जैसे न्यूटन साहब ने दिए थे कुछ नियम, गति के 3 नियम दिए थे, तो न्यूटन साहब के नाम पे वो नियम चल रहा है ना अभी। तो उसी तरह कॉलराउस नियम भी इसमें कुछ बोले तो देखिए वो क्या कह रहे हैं कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। तो किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी और इक्वावेलेंट कंडक्टिविटी अनंत तनु अवस्था पर, किस अवस्था पर? अनंत तनु अवस्था पर सही सही ज्ञात नहीं हो पा रहा था। कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है? कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसका जो मोलर कंडक्टिविटी और इक्वावेलेंट कंडक्टिविटी जो निकाल रहे थे अनंत तनु अवस्था पर, तो वो क्या हो रहा था? हमको सही सही उसका वैल्यू नहीं ज्ञात हो पा रहा था। तो जिसके कारण क्या किए, देखिए क्या लिखा मैंने कि तनु अवस्था पर सही सही ज्ञात नहीं हो पा रहा था क्योंकि विक इलेक्ट्रोलाइट पूर्णतः आयन में नहीं टूटता है। और विक इलेक्ट्रोलाइट जब अपने लोग पढ़ रहे थे तो ये भी पढ़े होंगे कि विक इलेक्ट्रोलाइट आयन में क्या डिजोल्व हो जाता है, ब्रेक करता है आयन में, नहीं करता है पूर्ण रूप से। विक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि आयन में नहीं टूटता है। तो इसे ज्ञात करने के लिए कॉलराउस ने एक यह लॉ दिया। तो इसी चीज को ज्ञात करने के लिए कॉलराउस साहब ने जो नियम लिया तो वो नियम अब यहाँ है। तो देखिए इसके बाद यहाँ लिखना है, तो देखिए लिखा है मैंने इस लॉ के अनुसार। कहने का मतलब कि कॉलराउस लॉ के अनुसार अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी, क्या? कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी इक्वावेलेंट कंडक्टिविटी अनंत तनु अवस्था तक उसमें संभव। क्या क्या चीज बोला मैंने कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी, फर्स्ट क्या होना चाहिए? मोलर कंडक्टिविटी, उसके बाद इक्वावेलेंट कंडक्टिविटी अनंत तनु अवस्था तक। कहां तक? तो अनंत तनु अवस्था तक उसमें संभव आयन के अनंत तनु अवस्था पर। कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टिविटी और इक्वावेलेंट कंडक्टिविटी जो होगा वो अनंत तनु अवस्था तक उसमें संभव आयन के, उसमें जो प्रेजेंट जो आयन रहेगा, जो पॉसिबल जो आयन होगा, तो उसके अनंत तनु अवस्था पर मोलर कंडक्टिविटी और इक्वावेलेंट कंडक्टिविटी के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। क्या बोला? कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जब हम मोलर कंडक्टिविटी और इक्वावेलेंट कंडक्टिविटी तनु अवस्था तक उसमें संभव आयन के अनंत तनु अवस्था पर मोलर कंडक्टिविटी और इक्वावेलेंट कंडक्टिविटी के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। तो यही लोग क्या कहला है? कॉलराउस लॉ कहला है। यही लोग क्या कहला है? कॉलराउस लॉ कहला है। उस लॉ को देखिए मैंने क्या लिखा, एक्स बी वाई। एक्स यहाँ क्या है? मोलर कंडक्टिविटी। और बी वाई क्या है? इक्वावेलेंट कंडक्टिविटी। वही ना, दोनों के योगफल के ही बराबर होता है ये। तो उसी को मैंने क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया। चलिए यहां तक लिखिए। तो ये कॉलराउस लॉ
आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए इसको देखिए, अब पढ़ेंगे अपने लोग कोराजन के बारे में। क्या पढ़ेंगे? कोरोजन, कोरोजन क्या पढ़ना है? कोरोजन, जिसको बोलते हैं संक्षारण, कोरोजन। चलिए इसको मिटा देते हैं हम। चलिए तो हेडिंग डालिए कोरोजन। क्या हेडिंग है? कोरोजन। तो संक्षारण किसको बोलेंगे? संक्षारण बोलेंगे किसको? चलिए अब उसी के बारे में पढ़ना है कि संक्षारण है क्या। तो दीजिए हेडिंग कोरोजन, CRROSION, जिसको बोलते हैं अपन क्या? संक्षारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संक्षारण। तो देखिए कोराजन जो होता है ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना है। कोराजन क्या है? तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना है। कोराजन क्या है? एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना है। आगे समझ में कि कोराजन क्या है? तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना है। तो जिसके कारण क्या होता है कि मेटल और मेटल के बने हुए वो भी मेटल या मेटल के जो बने हुए सामान पर ऑक्साइड, सामान पर क्या करेंगे? ऑक्साइड का, ऑक्साइड या साल्ट का एक परत जम जाता है। देखते होंगे अपने लोग घर में लोहा है, अगर वो अधिक दिन तक अगर कहीं रखा हुआ है तो उसके ऊपरी परत पे देखते होंगे कि जंग लग जाता है, उसमें कुछ धब्बा लग जाता है। तो वही धब्बा क्या कहलाता है? कोरोजन कहलाता है। वही क्या कहलाता है? कोरोजन कहलाता है। तो आगे कोरोजन समझ में कि कोरोजन एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना है। क्या है कोरोजन? एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना है जिसके कारण मेटल और मेटल के बने हुए परत पर या मेटल या मेटल के बने हुए सामान पर ऑक्साइड या साल्ट का क्या होता है? परत जम जाता है, परत जम जाता है। तो चलिए लिखिए इसका, यह एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमीना है। क्या है? यह एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमीना है। फिनोमीना बोले तो घटना लिख लीजिए यहाँ फर्स्ट में, घटना है जिसके कारण क्या होता है? मेटल और मेटल के बने हुए सामान पर, जिसके कारण मेटल एंड मेटल के बने हुए सामान पर क्या होता है? जिसके कारण मेटल और मेटल के बने हुए सामान पर किस चीज का परत जम जाता है? तो ऑक्साइड या साल्ट का सामान पर, ऑक्साइड या साल्ट का परत जम जाता है। अगर आगे समझ में, और देखिए लोहे में जो जंग लगना है, लोहे में अगर मान के चलिए जंग लग जाता है, क्या होता है? लोहे में जंग लगना या सिल्वर के रंग का बदलना। अगर सिल्वर में अगर जंग लग गया तो उसका क्या रंग बदल ही जाएगा, अलग ही कलर का दिखने लगेगा। ये सब क्या है? मतलब कोरोजन का क्या है? एक मुख्य एग्जाम्पल है। तो लिखिए एग्जाम्पल में, लोहे में जंग लगना सिल्वर के रंग का बदल जाना, सिल्वर के रंग का क्या होना? बदल जाना। ये सब क्या? कोरोजन का एग्जाम्पल। और पीतल की सतह पर परत का जमना, और पीतल की सतह पर क्या जमना? परत का जमना आदि। ये सब क्या है? कोरोजन का एग्जाम्पल। चलिए लिखिए इसको। चलिए लिख लिए, लिखें इसको। चलिए अब देखिए, लोहे में जंग लगना कोरोजन का मुख्य एग्जाम्पल है, मुख्य उदाहरण है। तो लोहे में जो जंग लगता है क्या था? कोरोजन का सबसे
बेस्ट एग्जांपल है लोहे में जंग लगना। उसके बाद क्या होता है कि लोहे में जो जंग लगता है वो किस किस के प्रेजेंट में, तो हवा और नमी के प्रेजेंट में। नमी बोले तो क्या, गीलापन। गीलापन तो लोहा में जो जंग लगता है वो किस किस चीज के प्रेजेंट में लगता है, तो हवा और नमी के प्रेजेंट में लगता है। और लोहे में जंग लगने से कौन सा रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन अब लिखेंगे, इसको मिटाएं, चलो मिटाएं। तो लिखिए एरोमार के कि लोहे में जंग किस किस चीज के कारण लगता है, लोहे में जंग किस किस चीज के कारण लगता है। देखिए लोहे में जंग हवा और नमी के उपस्थिति के कारण, किस किस चीज की उपस्थिति के कारण, तो हवा और नमी के उपस्थिति के कारण क्या होता है, इसमें जंग लगता है। हवा और नमी की उपस्थिति के कारण लगता है। लोहे में जंग किस किस चीज की उपस्थिति के कारण लगेगा, तो पहला हवा और दूसरा नमी। अब देखिए लोहे में जंग लगेगा तो कौन सा रिएक्शन होगा, देखिए लोहे में जंग लगने से निम्न रिएक्शन होता है, तो कौन सा रिएक्शन होगा उसके बारे में लिखेंगे। देखिए Fe किस किस चीज के प्रेजेंट में रहता है, तो हवा और नमी के। 2 Fe + 2 + तो क्या हो गया, 4 Fe-. एक रिएक्शन ये बनेगा और एक बनेगा O2 gives +4H+ ion + 4 Fe- gives 2H2O. अब ये दोनों रिएक्शन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 Fe + 2 + 2 H2O + ½ O2 gives Fe2O3 + Fe2O3 + 4H+ Fe2O3 + 4H+ ion। अब इसका जब रिएक्शन कराते हैं XH2O से, किस चीज से, XH2O से, तो क्या प्राप्त होता है हमको, Fe2O3 × XH2O। ये किस चीज का है फॉर्मूला, इसी को बोलते हैं जंग। ये क्या है, जंग है। चलिए इसको लिखिए चलिए पहले यहाँ पे, शायद आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, कॉपी में जब लिखिएगा तो मैं इसको थोड़ा ऊपर करके लिख देता हूँ, लेकिन आप लोग नीचे लिखिएगा। क्या होता है XH2O से कराते हैं, क्या हो जाता है Fe2O3 × XH2O। XH2O ही ना होता है, XH2O होता है, इसी को क्या बोलते हैं अपने लोग, जंग बोलते हैं। यही क्या है, जंग। चलिए इसको लिखें, अब इसमें लिखिए अरोमा के लोहे में जंग लगने से उसका वेट बढ़ता है। स्वाभाविक बात है कि लोहा में अगर जंग लगेगा तो क्या होगा, उसका वेट बढ़ेगा ही ना, तो लोहे में जंग लगने से क्या होता है, उसका वेट बढ़ता है, तो कोरोजन भी खत्म। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और ये टॉपिक भी आज क्या हो गया, खत्म हो गया। ये टॉपिक भी आज क्या है, खत्म है। तो जो जो हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, तो आप लोग पिछले वीडियो को भी देखें और पूरा चैप्टर को कंप्लीट करें। तो अपने लोग कल से एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और उस चैप्टर का नाम है अपने लोग पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे। कल क्या पढ़ना है अपने लोगों को, सरफेस केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। सरफेस केमिस्ट्री है क्या, तो सरफेस केमिस्ट्री के बारे में कल से पढ़ेंगे। तो आज तक आप लोग क्या कीजिएगा, जितना भी मैंने पढ़ाया वो सबको एक नोटबुक बना लीजिएगा, ताकि आप लोगों को पढ़ने में क्या सहूलियत हो। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर।